Good मॉर्निंग। आज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स के अगले स्टेप यानी कि हम रैंडम वेरिएबल्स और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल ए न्यूमेरिक आउटकम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। कोई सा भी न्यूमेरिक आउटकम हो, जैसे हम डाइस को फेंकें जैसे एक से लेकर के 6 तक, यदि हम किसी कॉइन को टॉस करें हम तो हेड एंड टेल, तो 1 और 2 हमने नंबर दे दिया, तो कोई भी हमने एक नंबर दे दिया उसका जो आउटकम है दैट इज़ कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। एंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस द रैंडम वेरिएबल कैन टेक एन एग्जैक्टली 1 वैल्यू। और उसकी एक की एक ही वैल्यू, यानी आपने एक बार उछाला तो उसकी एक ही वैल्यू आएगी। ये नहीं कि ऐसे डाइस फेंकने पर 2 और 6 हमने वैल्यू ले ली, ऐसे हम नहीं ले सकते। अब दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि उसमें फाइनाइट या और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ आउटकम्स होता है। फाइनाइट आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और काउंटेबली इनफाइनाइट होता है मीन्स आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं पर उसको हम काउंट करते हुए जा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में एक रैंडम वेरिएबल जिसमें हम कंटिन्यूस है, वो हमारे पास जो काउंट नहीं कर सकते हम उसको, पर हमारे पास एक आउटकम्स आते जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाई अपर केस लेटर, इसको हम वाई से यानी कि हमें कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, और इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एन रैंडम वेरिएबल आर डिनोटेड बाई लोअर केस लेटर्स। और इंडिविजुअल यानी कि आपके पास पूरे पूरे रैंडम वेरिएबल्स के सेट्स को हम कैपिटल से, और उसके कोई एक इवेंट को हम स्मॉल वाई से डिनोट कर सकते हैं। अब आती है बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक रैंडम वेरिएबल जैसा भी हमने लिया है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ कोई ना कोई एक प्रोबेबिलिटी अटैच रहती है, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसके लिए हम टेबल ग्राफ और फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एंड इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट और डेंसिटी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यानी कि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं या कोई टेबल है ग्राफ की फॉर्म में, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया पूरे एक्सपेरिमेंट्स के सारे आउटकम्स को, और हर एक के लिए हमने एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दे दी, रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया, उससे अटैच एक करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। यदि वो रैंडम वेरिएबल काउंटेबल है या काउंटेबली इनफाइनाइट है यानी डिस्क्रीट है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यदि वो कंटिन्यूस है रैंडम वेरिएबल और उससे अटैच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसी तरह से हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल आउटकम्स के लिए अलग अलग असाइन किए हमने, जो मैंने अभी बताया। इसी तरह से कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में असाइन डेंसिटी एट इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर जो पार्ट है उसमें ऐसे हमें पता नहीं रेंज, ऐसे एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो वी कैन असाइन ए प्रोबेबिलिटी कि 0.5 से लेकर के 0.6 के बीच में अगर रैंडम वेरिएबल कोई लेता है अपनी वैल्यू तो उसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी, तो वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंजेस कैन बी ऑब्टेंड बाय इंटीग्रेटिंग डेंसिटी फंक्शन, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी उसको हम डेंसिटी फंक्शन से कह सकते हैं, और किसी रेंज की हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड करें तो हम उसको इंटीग्रेटिंग डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के लिए जैसे अभी बताया कि P(y) = P(Y) = Y, यानी कि रैंडम वेरिएबल y ने स्मॉल वैल्यू y इसकी ले ली। कंटिन्यूस डेंसिटी FY से हम डिनोट कर सकते हैं, और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FY यानी P(y) = Y, यानी y से छोटी वैल्यू यानी कि 0 से लेकर के या -∞ से लेकर के y तक की वैल्यूज, उसको हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम नॉर्मली डिस्क्रीट के केस में हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब है कि P(y) इस पर्टिकुलर वैल्यू रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी P(y) = यानी कि रैंडम वेरिएबल y = y वैल्यू ले रहा है और P(y) इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, जिसका मतलब कोई ना कोई इवेंट हुई है, रैंडम वेरिएबल जनरेट हुआ है और सारे के सारे y के ऊपर इसका सम 1 के बराबर होगा। इसी तरह से हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी हमने एक यहाँ पे तो पर्टिकुलर की लिया था हमने, अब यहाँ पे पर्टिकुलर के बजाय कि वाई की सारी वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल कैपिटल वाई की सारी वैल्यूज जो कि स्मॉल वाई से छोटी हैं यानी कि -∞ से लेकर के वाई तक के, वो सारे के सारे वैल्यू क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। अब मान लीजिए हमें FB है, वो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने B ले ली यानी स्मॉल वाई की वैल्यू मैंने V ले ली,
तो एफ बी इक्वल टू पी बाई इज लेस देन इक्वल टू बी। और इसको हम कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के बी तक का हम समीशन ले दें और सारी प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर दें। यहाँ पे क्लियर बात है कि एफ माइनस इन्फिनिटी यानी कि बिल्कुल इनिशियली जहाँ पे कोई इवेंट हुई नहीं या ये मान के चलें कि रैंडम वेरिएबल ने अपनी वैल्यू ज़ीरो ली वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। तो एफ प्लस इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक का सम वन है यानी कि इवेंट हुई है सारी की सारी। एफ वाई इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन वाई और एफ वाई की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती रहती है क्योंकि अल्टीमेटली इसका सम वन पे आता है। अब जैसे एक एग्जांपल लें हम रोलिंग टू डाइस, दो डाइस हमने लाल और हरी दो डाइस हमने रोल करी और वाई को हमने एक रैंडम वेरिएबल असाइन किया सम ऑफ द अप फेसेस ऑफ द टू डाइस यानी कि दोनों में जिसमें लाल में और हरे में जो पे भी जो भी अप साइड में जो फेस आ रहा है उस पे जो वैल्यू आ रही है उन टोटल का सम। तो रेड इधर ले लिया हमने, ग्रीन हमने इधर ले लिया। अब मान लीजिए इधर भी वन आ गया, इधर भी वन आ गया तो टू वैल्यू आ गई, इधर वन आया इधर टू आ गया तो थ्री वैल्यू आ गई। इसलिए इससे हमने पूरी टेबल यहाँ पे हमने भर दी। यहाँ पे हमने देखेंगे अब कि वैल्यू मिनिमम टू से लेकर के ट्वेल्व तक जा रही है। मिनिमम टू मीन्स दोनों साइड में वन आए और मैक्सिमम ट्वेल्व मीन्स दोनों साइड में छः आए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू हम काउंटेबल फॉर्म है तो सम दो तीन चार पाँच छः बारह तक सम आ रहा है काउंट कर सकते हैं हम। हर एक की प्रोबेबिलिटी यानी कि दो की प्रोबेबिलिटी आप देखिए दो कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार दो आ रहा है यहाँ पर। तो दो की प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल केसेस वन और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस 36 हैं यहाँ पर क्योंकि छः इधर और छः इधर है तो 6/6 36। तो इसका मतलब कि 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे तीन दो जगह आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36। ऐसे चार तीन जगह आ रहा है 6/36। इसी तरह से हम सारे की सारी इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए 3/36 इसी तरह से पूरा पूरा इनको हम क्यूमुलेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे 3/36 इसकी प्रोबेबिलिटी और ये 3/36 और 3/36 6/36 6/36 और 4/36 10/36 और इस तरह से हम इन दोनों को और हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ये फाइनली 36/36 यानी कि इक्वल टू वन ये वैल्यू आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई दैट इज़ नंबर ऑफ वे टू डाइस कैन सम टू वाई और नंबर ऑफ वे टू डाइस कैन रिजल्ट इन यानी टोटल कितने तरीके से आ सकते हैं और कितना इसमें वो है, इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं यानी कि एफ वाई यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैन बी डिफाइन एज वाई इक्वल टी इक्वल टू 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 वाई यानी कि दो से लेकर के जहाँ तक भी आपने रखनी है और पी टी वहाँ तक का समीशन। ऐसे मैंने एक रखना है कि वाई इज लेस देन इक्वल टू आठ एट तो उसकी वैल्यू साफ दिख रही है 26/36 जो क्या है जो यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम है। ये मैंने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया आपको। यहाँ पर प्रॉबिलिटीज हैं इस साइड में और इस साइड में आपके पास वाई की वैल्यू है। दो के लिए ये वाली वैल्यू हमारे पास जैसे 1/36 आई थी, तीन के लिए चार की वैल्यू 5/6 और सात पे ये मैक्सिमम हुआ क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस मैक्सिमम होते हैं सात के लिए और उसके बाद धीरे 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 कम होते चले जाते हैं। अब आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबिली जो हमारे सामने आ सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको हम मीन भी बोलते हैं। यहाँ पर दिस इज लॉन्ग रन एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विल टेक ऑन यानी मीन वैल्यू क्या होती है, लंबे रन पे आपने कोई भी सैंपल लिया, आपने 10 का सैंपल 20 का सैंपल 1000 का सैंपल और बहुत बड़ा सैंपल, उसमें ही एक्यूरेसी इसकी बढ़ती जाती है। तो लॉन्ग रन एवरेज है दैट इज़ कॉल्ड द मीन। अब वेरियंस क्या होता है कि एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन बिटवीन ए रियलाइजेशन ऑफ एन रैंडम वेरिएबल एंड इट्स मीन यानी कि आपके पास एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन यानी कितना डेविएट कर रहा है मीन से, उसको भी हम एवरेज ले लें यानी पॉजिटिव वैल्यू ले लें हम उसकी। स्क्वायर करने पर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, उसका फिर हमने रियलाइजेशन ले लिया पूरा तो उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया हमने इसका वेरिएंस का तो उसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। नोटेशन ऐसे मीन के लिए ई वाई इक्वल टू म्यू, वेरियंस के लिए बी वाई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा यानी इसका अंडर रूट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन ई वाई दैट इज़ म्यू यानी कि आपने सारी की सारी प्रोबेबिलिटी पे सारी की सारी तो वाई पी वाई यानी कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो भी आप ले रहे हो और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें और सम कर दें।
मीन ऑफ ए फंक्शन यहाँ पे वाई की जगह पे जी वाई हो गया, उन फंक्शन का यानी ई ऑफ जी वाई हो गया, और हमने यहाँ पे जी वाई यहाँ ले लिया और प्रोबेबिलिटी सेम मल्टीप्लाइड है। इसी तरह से हम वेरिएंस वी वाई, इसको हम वेरिएंस से डिनोट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा स्क्वायर। और ये जैसे कि आपने पिछले इसमें पढ़ा, दिस इज़ एवरेज स्क्वायर डेविएशन बिटवीन ए रिलेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल विद एन मीन। तो यहाँ पे आप देखिए ये मीन है, ये एवरेज है वैल्यू है जो, अब इन दोनों का डेविएशन, दिस इज़ कॉल्ड डेविएशन, और उसका स्क्वायर कर दिया हमने और उसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ली यहाँ पर। तो दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर ई वाई की जगह हमने वापस से म्यू रख दिया और उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा मैथ्स लगाया, तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये आता है, दैट इज़ ई वाई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है उसके एग्जैक्ट वैल्यू का स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस द मीन का स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हमने इसको स्क्वायर रूट ले दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अभी तक हमने केवल एक रैंडम वेरिएबल की बात की थी, अब जी वाई यानी कि ये एक रैंडम वेरिएबल है जो कि एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है, बी कोई कांस्टेंट है, एक लीनियर फंक्शन हमने पहले अज्यूम किया है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लीनियर फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर ऑल वाई, यानी वी कैन सम अप फॉर ऑल वाई, तो सारे बार वाई पे सम करने पे ए वाई प्लस बी इंटू पी वाई, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और इसको हमने ओपन कर दिया, एक सिंपल सा थोड़ा सा मैथ्स लगा दिया, और फाइनली वी कम आउट एज ए म्यू प्लस बी, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाई द मीन, यानी कि वाई इज़ रिप्लेस्ड बाई द मीन एंड प्लस जो आपके पास दूसरा कांस्टेंट था एज इट इज़, यानी कांस्टेंट एज इट इज़ आपके पास मल्टीप्लाई या ऐड हो गए, उन्होंने इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का कोई फर्क नहीं डाला। इसी तरह से हम वी वेरिएंस निकाले, वेरिएंस बेसिकली डेविएशन होता है, और जहाँ पर भी हमें पता है कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता, और जो मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाइड एज इट इज़ रहता है। सिमिलरली बिल्कुल सेम हमने वाई की जगह जैसे पिछले इसमें लिया था, यहाँ पे वाई की जगह पे लिया था हमने, यहाँ पे इसकी जगह हमने ये लिख दिया पूरा और थोड़ा सा मैथ्स लगा दिया, और यहाँ पे क्योंकि बी वाई, बी के लिए सारा समीशन यहाँ पे ज़ीरो हो गया, बी ख़त्म हो गया यहीं पर, तो हमारे पास ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आया, और इसको हम सिग्मा ए वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ए की इंटू सिग्मा, यानी ए सिग्मा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और वेरियंस ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होगा। अब इसी तरह से हम पिछले वाले एग्जांपल की तरह यहाँ पर भी हम देखें, दो डाइस को हमने रोल किया और यहाँ पर हमने सम लिख दिया हम सबका, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दी हमने, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वाई और पी वाई को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये वैल्यू लिख ली, हमने वाई स्क्वायर किया और फिर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें वेरियंस के लिए हमें ये वाली चीज़ चाहिए वाई स्क्वायर यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए और ये वाई पी वाई चाहिए, तो हमने दोनों को लिख दिया और इन सब के सम यहाँ पे ले लिया हमने, तो वाई पी वाई का सम आया 7 जो पूरा ये आ गया, और वाई स्क्वायर पी वाई का सम आया 54.833 जो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस 7 का स्क्वायर यानी 5.833। अल्टीमेटली इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला वो हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, दैट इज़ कम्स आउट एज 2.4152। अब आती है मोमेंट्स, जैसे हमने पहले बताया था मोमेंट क्या होते हैं और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं। हर एक मोमेंट यानी कि आपके पास मीन वेरिएंस या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो मैंने बताई थी, ये मोमेंट्स होते हैं, तो इनके फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट एंड मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन, ये हमने मोमेंट हमने वहाँ पढ़े थे। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी कैसे जनरेट होते हैं इसकी हम थोड़ा सा आइडिया लें हैं। अब ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर सब कुछ लिंक है सारा का सारा, इससे हम सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ई एक्स की वैल्यू होती है समेशन एक्स आई अपॉन फैक्टोरियल आई, यानी दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ई एक्स, हमने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी ई एक्स बाई डी टी एक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर यहाँ पर देखिए 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक बार और डिफरेंस कर दिया फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं पर यहाँ पे फाइनली ई रेज टू पावर एक्स ही आ रहा है। अब रिप्लेसिंग एक्स विथ टी वाई, हमने इसको टी वाई से रिप्लेस कर दिया तो ई टी वाई यानी कि यहाँ पे एक्स के टी वाई हो गया, ये जैसे यहाँ पे ले लिया अपॉन फैक्टोरियल आई और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंशन आ गया और इसकी वैल्यू हमने इसको हमने डिफरेंशिएट किया
और उसकी वैल्यू हमने टी इक्वल टू जीरो पर लिया, यानी टी हमने ज़ीरो कर दिया, यानी ई टी वाई में टी हमने ज़ीरो कर दिया। तो ये पूरा वैल्यू आई, ये आया फाइनली, और ये ई टी वाई की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी, तो ये हमारे पास वाई आ गया, क्योंकि ई टी वाई डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से हमने इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया हमने, तो आप देखिए वाई स्क्वायर आ गया बेसिकली। तो टेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी वाई, अब हमने ई टी वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू ली बिल्कुल उसी तरह से सेम फॉर्मूले से, तो ये हमने वापस सारी वैल्यूशन वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, दिस इज़ एम टी। और इसको हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी मोमेंट को इस वैल्यू पूरे को हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने ये किया ये, तो डिफ्रेंशिएट करने पर दिस इज़ कम्स आउट एज ई वाई, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर ई वाई स्क्वायर, एम के टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पर ई ऑफ वाई के, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी चलती चली जाती है। बेसिकली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम टी, ये है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम टी। एम टी इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मीन आ जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास किसी फिक्स्ड पॉइंट से मीन आएगा, वाई स्क्वायर का मीन आएगा, यानी हम के टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको तो वाई के का मीन आएगा। तो एम टी इज़ कॉल्ड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर वाई, एंड इट कैन बी यूज टू ड्राइव एनी नॉन सेंट्रल मोमेंट, यानी कि आपके सेंट्रल मोमेंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मीन होता है, दिस इज टू कैलकुलेट नॉन सेंट्रल मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ऑल्सो यूजफुल इन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब हमारे पास इसी तरह से, जैसे हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात की, इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन की बात कर सकते हैं, हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर पी टी इज़ द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई, इसको हमें पी टी से हमने एक नोमेनक्लेचर नोटेशन दे दिया हमने पी टी। सिमिलरली जैसे इसको हम कंसिडर करें ई टी डी बाई डी टी ऑफ टी वाई, तो वाई हमारे पास क्योंकि टी के साथ डिफ्रेंशिएशन है और वाई कोई भी वैल्यू है, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ गया, के टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास एक तरह की सीरीज टाइप की फॉर्म आ जाती है, और यहाँ से के माइनस हो जाता है, और के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री हमने ले लिया है यहाँ पर। अब हमने डिफाइन किया है कि पी टी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी वाई, इसको हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ई वाई आ गया, जैसे पिछले वाले उसमें कैलकुलेट किया था। पी डबल डैश टी दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो ई वाई और वाई माइनस वन आ गया, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर। इसी तरह से के टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का एक थोड़ा सा आइडिया था, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।